कम हो रही है, बूढ़ी जी बताएंगे ना, गोलियां चलती है चलती रहेंगी, तो बूढ़ी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। सच्चाई सामने आ गया, यही जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। जनता डिसाइड करे, जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? खंडन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। सही बात, सही बात बोल रहा है, तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग का झुंझुनू पकड़ा दिया गया, आकर के चुनाव में फिर से झांसा देकर के गए थे, फिर से वही वही झांसाबाजी झुमलाबाजी हो गया। हम क्यों लेकर के आएंगे, बड़े हैं उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए, हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। कभी खराब होगा उनका, कभी खराब होगा, आराम करने दीजिए। जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमने जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही।